यमुना एक्सप्रेसवे को बीजेपी का बताकर ट्रोल हुए अनुपम खेर। मायावती की जगह नितिन गडकरी को दे डाला क्रेडिट। ये वीडियो जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये वीडियो यमुना एक्सप्रेसवे का है और इसे शेयर करने वाले हैं अभिनेता अनुपम खेर। दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे के बारे में अभिनेता अनुपम खेर ने एक ऐसी बात कह डाली जिसके बाद वो ट्रोल हो गए। दरअसल उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट में इसी एक्सप्रेसवे को बीजेपी का बता दिया। अनुपम खेर ने दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे को मोदी सरकार की उपलब्धि बता दिया, जबकि इस एक्सप्रेसवे को बसपा अध्यक्ष मायावती की सरकार के दौरान बनाया गया था। अनुपम खेर ने ट्विटर पर एक्सप्रेसवे का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, आगरा दिल्ली हाईवे पर यात्रा करना कितना सुखद है। अपने भारत में ऐसे वर्ल्ड क्लास रोड होने की भावना गौरव से भर देती है। ऐसे शानदार काम करने के लिए नितिन गडकरी और उनकी टीम का शुक्रिया। देश बदल रहा है, देश की सड़कें बदल रही हैं। जय हो। अनुपम खेर के ट्वीट पर बसपा नेता आकाश आनंद ने जवाब दिया। उन्होंने लिखा, अनुपम खेर जी, अच्छा लगा कि आपको ये एक्सप्रेसवे पसंद आया, इसकी मजबूती अच्छी लगी। बस यहाँ आप गलती से गडकरी जी को टैग कर गए। ये आगरा नोएडा एक्सप्रेसवे आदरणीय मायावती जी के कार्यकाल में बनाया गया था। तब मजबूत इरादे थे तो मजबूत सड़कें बनती थी। बस इतना ही कहना है मुझे। अनुपम खेर भाजपा के बड़े समर्थक हैं। उनकी पत्नी भी भाजपा की सांसद है, ऐसे में उनका भाजपा प्रेम जग जाहिर है। लेकिन किसी और के काम का श्रेय भी भाजपा को देने पर अनुपम खेर ट्रोल हो गए। इस बारे में द न्यूज वीक के संपादक सुमित चौहान ने ट्विटर पर लिखा, डियर अनुपम खेर, आप जिस दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे पर फर्राटा भर रहे हैं उसे नितिन गडकरी ने नहीं बल्कि मायावती जी ने बनवाया था, वो भी उस वक्त जब एक्सप्रेसवे की कल्पना पूरे भारत में किसी ने नहीं की थी। कम से कम असली हकदार की तारीफ तो कीजिए। इस बारे में वरिष्ठ पत्रकार राजीत अंजुम ने भी ट्विटर पर लिखा, खेर साहब, अब तक तो पता चल गया होगा कि ये सड़क मायावती ने बनवाई थी, 10 साल से चालू है। इतना सामान्य ज्ञान तो होना चाहिए था। आप तो भक्ति में इतना आगे निकल चुके कि जानकारी में 0/0 है। आप और कंगना जैसों को लगता है कि 2014 के पहले देश में कुछ नहीं था। यानी भक्ति में अभिनेता अनुपम खेर सब कुछ भूल गए। वैसे दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे बनाने की शुरुआत 2007 में तब हुई थी जब मायावती की सरकार बनी थी। ये भारत का पहला एक्सप्रेसवे था जहां शानदार सड़कें और वर्ल्ड क्लास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया था। इस प्रोजेक्ट की लागत 10,000 करोड़ से ज्यादा थी और ये एक्सप्रेसवे मायावती सरकार की बड़ी उपलब्धियों में से एक है। लेकिन इस रोड पर फर्राटा भरने के बाद भी कुछ भक्त इसका श्रेय बहन जी को नहीं बल्कि मोदी जी को देने लगते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ वीक।